नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, यहां पर कोरोना वायरस के चर्चों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पाकिस्तान से निकल कर आई है, जहां पर ओमर शेख को एक्विट किया गया है। यहां पर बेसिकली मैं बताऊं तो पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल कोर्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट होता है, वैसी वहां पर जो प्रोविंशियल कोर्ट होती है, उन्होंने ये पाया कि जो ओमर शेख है वो निर्दोष है डैनियल पर्ल मर्डर केस में। अब ये डैनियल पर्ल बेसिकली एक यूएस सिटीजन था जिसकी हत्या की गई थी 2002 में उसको किडनैपिंग करके। तो यहाँ पर ये पूरा मामला क्या है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ओमर शेख है ये मिलिटेंट है, जो आतंकवादी है बेसिकली, वो यहाँ पर इंडिया के साथ भी कई सारे लिंक है उसके, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिलेगी, प्लस हर एक पीडीएफ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ज्वाइन कर चुके हैं। इसकी शुरुआत करें, सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझिए क्या था। आपको पता है अभी जो 2 अप्रैल गया है आपका, यहां पर जो सिंध की प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, यहां पर आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी जैसे हर एक राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे यूपी का हाई कोर्ट हो गया, पंजाब का हाई कोर्ट हो गया, वैसे ही पाकिस्तान में जो सिंध का प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, ये बेसिकली आप नीचे का साउथर्न पार्ट अगर आप देखेंगे, ये पूरा पार्ट आपका सिंध प्रोविंस आता है, जिसमें कराची शहर भी आएगा। इसके लेफ्ट साइड में आपको पता है ये पूरा बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान प्रोविंस है, और इसके अपर साइड में ये पूरा आपका पंजाब प्रोविंस आता है, जिसके अंदर लाहौर भी आता है। तो ये जो सिंध प्रोविंस है उनकी जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर उन्होंने ये पाया कि 2002 के मामले में पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई थी किडनैपिंग और मर्डर का, वो सही से सिद्ध नहीं होता है, और यहाँ पर जो मर्डर किया था बेसिकली सैयद शेख ने, वो यहाँ पर निर्दोष पाया गया है प्रोविंशियल हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है, बेसिकली जो पुलिस है, वो सही से साबित नहीं कर पाई है कि क्या एक्चुअल में ओमर शेख ही यहाँ पर दोषी है पर्ल मर्डर केस में। इसको और थोड़ा और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली देखिए, 2002 में यहाँ पर डैनियल पर्ल की मृत्यु हो जाती है बेसिकली, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में हाई कोर्ट के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, वैसे ही वहाँ पर भी जो प्रोविंशियल कोर्ट है उसके नीचे जो लोअर कोर्ट आता है, उन्होंने पहले यहाँ पर दोषी पाया था इन बोथ किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ डैनियल पर्ल बाय ओमर शेख। लेकिन यहाँ पर आज जो 2 अप्रैल का पूरा फैसला आया है प्रोविंशियल कोर्ट के द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, किडनैपिंग तो किया है ओमर शेख ने यहाँ पर डैनियल पर्ल का, लेकिन यहाँ पर जो मर्डर का पूरा मामला है वो सही से साबित नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको सिर्फ 7 साल की ही सज़ा सुनाई जा सकती है। और आपको पता है कि वो 2002 से यहाँ पर ऑलरेडी सज़ा काट रहा है, तो 18 साल उसने ऑलरेडी यहाँ पर सज़ा काट चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 7 साल की सज़ा है तो यहाँ पर उसको रिहा करना चाहिए। ऑल दो यहाँ पर अभी उसको रिहा नहीं किया गया है क्योंकि काफ़ी सारा इंटरनेशनल प्रेशर है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मर्डर केस था, यहाँ पर ओमर शेख के साथ साथ 3 और लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे, तो उसमें भी यहाँ पर जो लोअर कोर्ट है उन्होंने भी उसको उन तीनों को लाइफ सेंटेंस सुनाई थी। ओमर शेख को यहाँ पर डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी, जो कि अभी प्रोविंशियल कोर्ट के द्वारा माफ़ी करार दिया गया है, और साथ में यहाँ पर जो 3 लोग थे उनके ऊपर भी लाइफ सेंटेंस सुनाई गई थी, और इन तीनों को भी यहाँ पर निर्दोष पाया गया है मर्डर केस में। मतलब कि उन 4 लोगों के ऊपर सिर्फ किडनैपिंग का यहाँ पर पूरा मामला बैठता है, जो कि सिर्फ 7 साल की उनको सजा हुई है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं ये जो पूरा डैनियल पर्ल मर्डर केस है ये क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो डैनियल पर्ल था वो करीब 38 इयर्स का था। ये आपको पता है अमेरिका के अंदर एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है, एक न्यूज़पेपर है, उनका एक साउथ एशिया ब्यूरो चीफ था, मतलब कि साउथ एशिया को पूरा कवर करता था डैनियल पर्ल, मतलब कि वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था। लेकिन 2002 में कराची से, पाकिस्तान के कराची से, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वहां से उसको किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि यहां पर कई लोगों का मानना था कि यहां पर जो डैनियल पर्ल है वो पूरा एक स्टोरी बना रहा था अबाउट द टेरर ग्रुप्स लिंक टू अलकायदा। अलकायदा जो पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके कई सारे जो और भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में पूरा स्टोरी बना रहा था यहाँ पर डैनियल पर्ल, और इसको देखते हुए यहाँ पर जो पाकिस्तान के कराची से उसको किडनैप कर लिया जाता है। और बाद में आगे चलकर करीब 1 महीने के बाद कराची के अंदर यूएस की जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसको यहाँ पर एक वीडियो भेजा जाता है, जैसा कि आजकल आप देखते होंगे कि बी हेडिंग के पूरे वीडियो आते हैं बाई आईसिस, राइट। तो यहाँ पर
2002 में सोचिए इस तरह का वीडियो यहाँ पर फॉरवर्ड किया गया था, जिसके थ्रू यहाँ पर दिखाया गया था कि डैनियल पर्ल का जो पूरा गला है उसको यहाँ पर काट दिया जाता है, पूरा एक मृत्यु सा एक काफ़ी दर्दनाक ये पूरा वीडियो था बेसिकली। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पूरे विश्व भर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता है। इनफैक्ट क्योंकि ये डैनियल पर्ल एक US सिटीजन था तो US के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया इसको देखते हुए। 2002 में आपको पता है कि उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ थे, तो यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है। और उसी साल 2002 में ही इन चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें उमर शेख भी शामिल था। और आगे चलकर लोअर कोर्ट के द्वारा यहाँ पर उसको कन्विक्ट पाया जाता है, मतलब दोषी पाया जाता है। लेकिन आज मैंने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि 2 अप्रैल को जो हायर कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया गया है उसमें यहाँ पर उसको निर्दोष पाया गया है इन केस ऑफ मर्डर। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये पूरा फैसला आया यहाँ पर US के द्वारा काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक चीज़ें बताई गई और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर वापस से प्रेशर आ गया। इनफैक्ट इंडिया ने भी यहाँ पर कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये सही नहीं है। और इसको देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि पाकिस्तान फर्दर इसको अपील करेगी हायर कोर्ट में। तो ऑब्वियसली बात है प्रोविंशियल कोर्ट के बाद जो हायर कोर्ट है वो आपका सुप्रीम कोर्ट, तो ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब आगे हमें देखना होगा कि क्या एक्चुअल में इसमें फैसला आता है। लेकिन अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर, यहां पर जो अहमद उमर सैयद शेख है उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है इसको समझेंगे। अभी अगर आज के डेट में देखेंगे तो जो उमर शेख है उसकी जो उम्र है वो 46 है, तो क्या था यंग एज में वो बड़ा हुआ था ईस्ट लंदन में और वो बेसिकली एक ड्रॉप आउट है यूनिवर्सिटी से। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग ड्रॉप आउट के बाद यहां पर काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं और यहां पर कुछ लोग आतंकवादी बन जा रहे हैं। और आगे चलकर उमर शेख था वो बेसिकली बोस्नियन वॉर मैं बता दूं 1992 में हुआ था, तो वहां पर कुछ रिलीफ का एफर्ट्स उसने किया था, ऐसी न्यूज आई थी 1992 में। और आगे चलकर क्या होता है कि वो कई सारे टेरर आउटफिट के संपर्क में आता है और वो पाकिस्तान में आ जाता है और आगे चलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड लेट मी टेल यू आगे क्या होता है कि ट्रेनिंग के बाद उसको भेजा जाता है इंडिया, ताकि इंडिया में जो वेस्टर्न टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर से नागरिक आते हैं वेस्टर्न साइड से स्पेशली, उनको किडनैप करे और कई सारे यहाँ पर रैनसम का मांग करे, मतलब कि यहाँ पर मनी की डिमांड करे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1994 के समय ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ, जब उसने करीब 4 टूरिस्ट को यहाँ पर किडनैप किया जाता है उमर शेख के द्वारा। तो यहाँ पर 4 टूरिस्ट में से 3 ब्रिटिश नेशनल थे और एक यहाँ पर US नेशनल भी थी जिसका नाम है बेलानस। तो यहाँ पर क्या होता है क्योंकि US और ब्रिटेन जैसे देशों में इसमें शामिल होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर आता है कि उनको रिलीज़ किया जाए। और ये पूरा मामला काफ़ी अच्छे से, मैं बता दूँ, यूपी पुलिस काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है और ये पूरे मामले को बस्ट करती है। और आगे चलकर उमर शेख को 1994 से 1999 तक यहाँ पर इंडिया की प्रिजन में रखा जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है वो इंडिया के प्रिजन में ही रहता, लेकिन यहाँ पर आपको पता है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है दिसंबर 1999 में, आपने सुना होगा इसके बारे में, IC-814 हाईजैकिंग, इसको कांदहार हाईजैक भी कहते हैं। बेसिकली यहां पर कई सारे जो यात्री थे इस पूरे फ्लाइट के अंदर उनको अगवा कर लिया जाता है तालिबान्स के द्वारा। और यहाँ पर इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट हैं जो जेल में बंद थे, अक्सर आपने इनके बारे में सुना होगा इसके बारे में, दैट इज़ मौलाना मसूद अजहर, जो कि आप देख सकते हैं रिसेंटली काफ़ी सारे न्यूज़ में रहा है, साथ में मुश्ताक अहमद जरगार। तो ये दोनों के साथ साथ जो तीसरे आदमी को रिलीज़ किया गया था इस पूरे मामले में वो था एक उमर शेख। तो आप देख सकते हैं इसका लिंक, यहाँ पर उसने जेल में भी काटा था पूरा करीब 4-5 साल और आगे चलकर उसको रिहा किया गया था इस पूरे 3 टेररिस्ट में। और यहाँ पर इंडिया से रिहा होने के बाद वो पाकिस्तान वापस चला जाता है और यहाँ पर उसका पूरा संपर्क जैश ए मोहम्मद के साथ आता है। और 2002 में जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पूरा मामला जो डैनियल पर्ल का है वो पूरा आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। और ऐसा भी माना जाता है कि उसका जो पूरा रिलेशन था वो ओसामा बिन लादेन के टच में भी था, ये जो उमर शेख है जिसकी आप पिक्चर नीचे देख सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर बेसिकली जो 26/11 अटैक हुआ था मुंबई के अंदर, तो यहाँ पर उमर शेख के द्वारा कुछ फेक कॉल्स भी किए गए थे, हॉक्स कॉल्स किए गए थे, ताकि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो और यहाँ पर युद्ध जैसी सिचुएशन बने। तो आप देख सकते हैं कि जो उमर शेख है उसने कई सारे फेक कॉल किए, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उस समय आसिफ अली जरदारी, वहाँ का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था अशफाक परवेज कयानी, और इनफैक्ट
इंडिया में भी जो हमारे उस समय के तत्कालीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनके पास भी यहाँ पर उमर शेख का कॉल आता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा था कि शेख के द्वारा जो पूरा मामला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और ज़्यादा टेंशन बढ़े, वो प्रिजन से ये सारे कॉल्स कर रहा था। तो डेफिनेट सी बात है ये काफ़ी बड़ा पूरा मामला था। साथ में लास्ट में जाते जाते दोस्तों यहाँ पर मैं कंक्लूजन में कुछ सीरियस क्वेश्चंस रेज करूंगा। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसिक्यूशन का मामला चला है यहाँ पर कई सारे लूपहोल्स पाए गए हैं। मतलब कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो उसको दोषी पाया गया उसके मर्डर में, डैनियल पर्ल के मर्डर में, लेकिन अब जाकर जो पूरा मामला आया है यहाँ पर कई सारे लूपहोल्स पाए गए हैं सिंध की प्रोविंशियल कोर्ट के द्वारा। तो एक तो ये काफ़ी सीरियस क्वेश्चन रेज होता है। दूसरा यहाँ पर जो अभी टाइमिंग है पूरा, क्योंकि अभी पूरा विश्व यहाँ पर कोरोना वायरस में इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा अभी ध्यान नहीं है, तो क्या ये टाइमिंग है कि इस समय ये पूरा मामला आया, ये दूसरा क्वेश्चन रेज होता है। और तीसरा भी मैं बता दूं, यहां पर जो ओमर शेख है उसका काफी ज्यादा लिंक बताया जा रहा है पाकिस्तान का भी, जो करंट वहां के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ब्रिगेडियर इजाज शाह, एंड लेट मी टेल यू ही हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान की जो ISI है वहां से भी वो रिटायर हो चुके हैं। और यहां पर काफी बड़ा रिलेशन बताया जाता है वहां के इंटीरियर मिनिस्टर और ओमर शेख के बीच में। और एक और लास्ट में सीरियस क्वेश्चन रेज ये होता है कि इतने सालों के बाद भी जब वो डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी वहाँ की छोटे लोअर कोर्ट के द्वारा, तो अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, इतने सालों तक ये क्यों चलता रहा। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा सीरियस क्वेश्चन रेज होता है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा मामला था ओमर शेख का जो कि एक्विट किया गया है पाकिस्तान के प्रोविंशियल कोर्ट के द्वारा इन डैनियल पर्ल मर्डर केस, यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप MCQs खेल सकते हो, यहाँ पर मैं क्विजेस डालता रहता हूँ, प्लस साथ में इसी प्रोफाइल में आपको मेरी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे वीडियोस की। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।